स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप धाकड़, इंडेक्स नर्सिंग कॉलेज एंड माई प्रोफेशन नर्सिंग ट्यूटर। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो भी प्रोसेस होती है, सर्कुलेशन वगैरह, और क्या क्या एनाटॉमी चेंजेस वगैरह, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, आइए देखते हैं डिटेल में। सो हम देखते हैं लोकेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट की लोकेशन कौन सी है देखते हैं। रेस्ट ऑन द डायफ्राम नियर द मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, थोरेसिक कैविटी के मिडिल। फिर आता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या है, कॉन्फाइंड हार्ट टू द मीडियास्टेनम, अलाउ सफिशियंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट द फाइब्रस एंड सीरस। फाइब्रस थिन इनएलास्टिक डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, हेल्प इन प्रोटेक्शन अंचोर्स हार्ट टू मीडियास्टेनम। सीरस में थिनर मोर डेलिकेट डिवाइडेड इंटू पेरिफेरल एंड विसरल। लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल, हार्ट वॉल की लेयर कौन कौन सी होती है आइए जानते हैं। इसमें डायफ्राम में आप देख सकते हैं फाइब्रस, पेरिकार्डियम, ये जो फिर पेराइटल लेयर ऑफ सीरस, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी भी है, विसरल लेयर ऑफ सीरियस, पेरिकार्डियम, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये होती है हार्ट की लेयर है। और हार्ट चैम्बर की कितने हार्ट में चैम्बर रहते हैं डिटेल में अभी इस वीडियो में हम जानेंगे। इपिकार्डियम, इपिकार्डियम कंपोस्ट ऑफ मेसोथेलियम एंड डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू, इम्पार्ट्स अ स्लिपरी टेक्सचर टू द आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग, क्या चीज़ होता है कि पंप करने में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंडोकार्डियम थिन लेयर ऑफ एंडोथेलियम विच इज कंटिन्यूस विद द लाइनिंग ऑफ द लार्ज ब्लड वेसल अटैच्ड टू द हार्ट। चैम्बर ऑफ द हार्ट, हार्ट के चैम्बर कौन कौन से होते हैं ये यहाँ पे अलग अलग हार्ट का अपना डायग्राम दिया है। इसमें देख सकते हैं अपन ऊपर की साइड एओर्टा दिया है, इधर पल्मोनरी वॉल, फिर राइट आर्ट्रियम, ट्राइकस्पिड वॉल, राइट वेंट्रिकल, इधर देखेंगे पल्मोनरी, ऊपर पल्मोनरी आर्ट्री, लेफ्ट आर्ट्रियम, एरोटिक वॉल, मिट्रल वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर सेप्टम। फोर चैम्बर, हार्ट में चार चैम्बर होते हैं, टू वेंट्रिकल, टू ओरिकल प्रेजेंट, दो ओरिकल प्रेजेंट रहते हैं, सीरीज ऑफ ग्रोव कार्ड सल्की कंटेन फैट एंड कोरोनरी ब्लड वेसल। सल्कस, इसमें पोस्टेरियल व्यू दिखाया है, इसमें एंटर व्यू दिखाया है। मायोकार्डियल थिकनेस एंड फंक्शनल, आर्ट्री, आर्ट्रिया में क्या थिन वाल, इनकी वाल
थिन रहती है। वेंट्रिकल्स थिक वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल। हार्ट वॉल्व एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, आरटीओ वेंट्रिकुलर एंड सिमिलियर वेल वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इसमें अपना सिस्टमेटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम है। लेफ्ट साइड इज़ ए पंप टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, राइट साइड इज़ ए पंप टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। द कंडक्शन सिस्टम इनहेरेंट एंड रिदमिकल बीट इज ड्यू टू ऑटो रिदमिक फाइबर्स ऑफ द कार्डियक मसल, दिस फाइबर्स हैव टू इम्पोर्टेंट फंक्शन, एक्ट एज पेस मेकर फ्रॉम द कंडक्शन सिस्टम। सो नोड वुड इनिटेटेड एक्शन पोटेंशियल अबाउट एवरी 0.6 सेकंड और 100 टाइम्स पर मिनट। द एनएस अल्टर्स द स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग ऑफ द बीट्स। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टराइज्ड ऑफ द कंडक्शन सेल, ऑटोमेटिसिटी, एक्सिटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, रिदमिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, टोनिसिटी। द कार्डियक साइकिल, अब देख सकते हैं कार्डियक साइकिल में अपने वो डिस्क्राइब किया है यहाँ पे, एओटा, सुपीरियर वेनों कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना कावा। ये इधर अपने को डायस्टोलिक और सिस्टोलिक भी दिया है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन एंड फीलिंग। सिस्टोलिक में अपना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन। आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल में क्या, लेट्स फॉर 0.1 सेकंड आर्टेरियल डिपोलराइजेशन कॉजेस आर्टेरियल सिस्टोले, इट कंस्टिट्यूट्स अ फाइनल 25 ml ऑफ ब्लड टू ईच वेंट्रिकल, एंड ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल इज आल्सो एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक, एंड डायस्टोलिक वैल्यू इज 130 ml वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, लास्ट फॉर 0.3 सेकंड, इट इज कॉज्ड बाय वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, आइसो वॉल्यूमली कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर 0.05 सेकंड व्हेन बोथ द सिमिलर एंड आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व आर क्लोज्ड। द एसएल वाल्व्स ओपन व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेजेंट सुपरपोज्ड एरोटिक प्रेशर 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। द राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर राइसेस अबाउ पल्मोनरी प्रेशर 20 mm ऑफ Hg। एसएल वाल्व ओपन फॉर 0.25 सेकेंड। द लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन अबाउट 70 ml इंटू द एओटा। द राइट वेंट्रिकुलर इजेक्ट द सेम वाल्व इंटू द पल्मोनरी ट्रंक। एंड सिस्टोलिक वाल्व इज 60 ml इन ईच वेंट्रिकल। रिलैक्सेशन पीरियड, इसमें क्या होता है, बोथ एट आर्टेरिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, इट लास्ट फॉर 0.4 सेकंड। व्हेन हार्ट बीट फास्टर द रिलैक्सेशन टाइमिंग शॉर्टनेस, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कॉजिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक।
हार्ट साउंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लड ट्यूबुलेंस प्रोसेस बाय क्लोजिंग ऑफ हार्ट वॉल्व S1 आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोजर S2 सेमिल्यूनर वाल्व क्लोजर S3 रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग S4 आर्ट्रियल सिस्टोल कार्डियक आउटपुट कार्डियक आउटपुट CO इज इक्वल SV इंटू HR ML 4 अ रेस्टिंग एडल्ट में CO इज इक्वल 70 ml पर बीट इंटू 75 beats इज इक्वल 5 to 50 ml पर मिनट इज इक्वल 5.25 mg/min पर मिनट रेगुलेशन ऑफ स्टॉक वॉल्यूम 3 factor रेगुलेट स्टॉक वॉल्यूम जो 3 factor होते हैं वो प्रीलोड कॉन्ट्रैक्टिलिटी आफ्टर लोड प्रीलोड में स्ट्रेंच ऑफ कार्डियक मसल पीरियड टू कॉन्ट्रैक्शन फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ 3rd प्रीलोड इज प्रोपोर्शनल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम If HR is more than 160 beats per minute, stroke volume decline due to short filling. Contractility. It is the strength of contraction at the any given preload. Positive and negative ionotropic stimulation of systematic division of ANS leads to पॉजिटिव लोनोट्रोपिक इफेक्ट इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द लीड्स टू नेगेटिव आयनोट्रोपिक इफेक्ट आफ्टर लोड क्या द प्रेशर डेट मस्ट बी ओवरकम बिकम अ सेमी सर्कुलर वॉल्व कैन ओपन इज टर्मिनेटेड द आफ्टर लोड इंक्रीज इन आफ्टर लोड कॉज डिक्रीज इन स्टॉक वॉल्यूम HTN एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस इंक्रीज द आफ्टर लोड रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट रेगुलेशन के बारे में जानना है SNOT इनिशिएट 100 बीट्स पर मिनट इफ लेफ्ट टू इट्सेल्फ टिश्यू रिक्वायर डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो अंडर डिफरेंट कंडीशन एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3rd ANS एंड हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला आर इम्पोर्टेंट इन रेगुलेटिंग द हार्ट रेट ऑटोनोमिक रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट हायर ब्रेन सेंटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस ये रहता है इसमें इनपुट टू कार्डियोवास्कुलर सेंटर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ओब्लॉन्गेटा
द स्पाइनल कॉर्ड थोरेसिक रीजन। फिर आता है कार्डियक एसिलरेटेड नर्व एक्सटेंड टू एसए एवी नोड्स। फिर ट्राइगर्स नोड एनओआर नोड एपिनेफ्रिन। नोरएपिनेफ्रिन एचएएस टू इफेक्ट इन एसए नोड स्पीड द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन इन एवी नोड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज स्टॉक वॉल्यूम। पैरासिंपैथेटिक इफेक्ट पैरासिंपैथेटिक नर्व रिज्ड रिचेस द हार्ट वी आई ए लेफ्ट वेगस नर्व दे रिलीज्ड एसिटाइल कोलिन विच डिक्रीज्ड द हार्ट रेट एट रिस्ट पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेशन प्री डिटरमाइंड मिनट केमिकल रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। फर्स्ट हार्मोन इपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन थायराइड हार्मोन आल्सो इंक्रीज हार्ट रेट। क्वेश्चंस एलिवेटेड पोटेशियम एंड सोडियम डिक्रीज्ड हार्ट रेट मॉडरेट इंक्रीज इन इंटरस्टिशियल कैल्शियम लेवल स्पीड हार्ट रेट। अदर फैक्टर इन हार्ट रेट रेगुलेशन हार्ट रेट रेगुलेशन में अदर फैक्टर क्या क्या है एजी जेंडर फिजिकल फिटनेस बॉडी टेम्परेचर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के फंक्शनल क्या क्या है अपन जानेंगे और स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। बॉडी कंटेन थ्री किट्स ऑफ कैपिलरी कंटिन्यूस अपना आता है लंग्स स्मूथ मसल कनेक्टिव टिश्यू फेनेस्ट्रेटेड इसमें आता है किडनी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ब्रेन साइनोसाइट इसमें आता है लीवर रेड बोन मेरो स्प्लीन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पल्मोनरी वेसल्स 9% हार्ट 7% सिस्टमेटिक आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स 13% सिस्टमेटिक कैपिलरीज 7% सिस्टमेटिक वेन्स एंड वेन्यूल्स 64% हेमोडायनामिक अफेक्टिंग ब्लड फ्लो ब्लड प्रेशर रेसिस्टेंस वेनस रिटर्न। ब्लड प्रेशर जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। ड्यूरिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ब्लड प्रेशर फॉल एज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्रीज इन आर्टरियोल्स एंड आर्टरीज 35 mmHg इन वीनस एंड ऑफ कैपिलरी 16 mmHg व्हेन ब्लड फ्लो इन आर्टरी राइट वेंट्रिकल्स इज 0 mmHg MAP मैप इज इक्वल डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1:3 सिस्टोलिक प्रेशर
डायस्टोलिक प्रेशर, वस्कुलर रेसिस्टेंस, इट इज द ओपोशन टू ब्लड फ्लो ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड द वॉल ऑफ ब्लड वेसल. वस्कुलर रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द ल्यूमन आर इज इंटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1D ब्लड विस्कोसिटी टोटल ब्लड वेसल लेंथ. वेनस रिटर्न डिपेंड्स ऑन हार्ट कंस्ट्रक्शन प्रेशर इन द राइट आर्टरी आर्ट्रियम बिसाइड दिस स्केलेटल मसल पंप रेस्पिरेटरी पंप. वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो, वेलोसिटी इन इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया. वेलोसिटी डिक्रीज्ड एज इट प्रोसीज्ड फ्रॉम आर्टरीज आर्टेरियोस कैपिलरीज. वेलोसिटी इंक्रीज्ड एज इट प्रोसीड्स फ्रॉम वेन्यूल्स वेन. दिस अलाउस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन द कैपिलरीज. कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो. रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर सेंटर. प्रोप्रिओसेप्टर बेरर रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर, तीन रिसेप्टर लेते हैं. न्यूरल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बेरर रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर. बेरर रिसेप्टर प्रेशर सेंसिटिविटी लोकेटेड इन द एओर्टा इंटरनल कैरोटिड एंड अदर लार्ज आर्टरियल टू इम्पोर्टेंट बेरियर रिसेप्टर और रिफ्लेक्स आर कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स एओर्टिक रिफ्लेक्स. कीमोथेरापिटिक रिफ्लेक्स प्रेजेंट क्लोज ऑफ द बेरियो रिसेप्टर ऑफ कार्डियो कैरोटिड साइनन एंड आर्च ऑफ एओर्टा. दे आर कॉल्ड कैरोटिड बॉडीज एंड एओर्टिक बॉडीज. हॉर्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल मेनिन एंटीजियोजेनेसिस एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एंटी डायबिटिक हार्मोन्स आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड. ऑटो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू ऑटोमेटिकली एडजस्ट इन ब्लड फ्लो टू मैच इट्स मेटाबॉलिक डिमांड्स इज कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन मेनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज. टू टाइप ऑफ स्टिमुलाई कॉजेस ऑटो रेगुलेटरी चेंजेस फिजियोलॉजिकल चेंजेस वेसो डायलेटिंग एंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन केमिकल फिजिकल चेंजेस. वार्मिंग एंड कूलिंग कॉजेस वेसो डायलेशन एंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन. स्मूथ मसल इन आर्ट्रियोल्स इन एग्जिबिटेड मायोजेनेटिक रिस्पॉन्स. वेसो डायलेटिंग एंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वेसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग केमिकल. सेवरल सेल्स रिलीज्ड अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल डेट आफ्टर द ब्लड वेसल्स डैमेज
वैसोडायलेटर के प्लस एच प्लस लैक्टिक एसिड एंड एडिनोसिन एंड मेनियो मेनली नो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर थ्रोम्बो थ्रोम्बोक्सिन ए टू सेरोटोनिन एंड एंडोथेलिन दिस टॉपिक इज एंड सो थैंक यू सो मच.